जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ बूस्टर 2018 से 2024 का जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं, आज उसमें अलजेब्रा में एक्स प्लस वन बाय एक्स वाला या वाई माइनस वन बाय वाई वाला जो क्वेश्चन होता है, जो बहुत ही आसान होता है और इनसे बहुत सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, चाहे SSC में हो चाहे रेलवे में हो, बहुत भर भर के सवाल इससे बनाए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को और हर एक कंसेप्ट को कंप्लीट आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन जो आसान होगा, जो रिपीट होगा, उसको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन हर एक कंसेप्ट से हर एक सवाल को जरूर लेंगे, एकदम सजा के धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। आसान आसान सवाल से फिर हम लोग मुश्किल सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से तो मुश्किल सवाल बनता ही नहीं है, जो भी बनता है सब कुछ सारा का सारा आसान सवाल बनता है, ठीक है। पिछला लेक्चर में हम लोग क्या देखे, कल के लेक्चर में हम लोग देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा और बीटा रूट्स वाले सवाल में जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाता है बन सकता है, हर एक सवाल को हम लोग देखे और देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल है उसमें। तो सारा का सारा वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक अगर आप मैथ बूस्टर सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैथ बूस्टर का लिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर लगाने का झंझट आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि एक एक सवाल को हम लोग कंसेप्ट वाइज यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग नंबर सिस्टम देख लिए, हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस देख लिए, अब हम लोग अलजेब्रा में घुसे हैं और आज दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग एक्स प्लस वन बाय एक्स या एक्स माइनस वन बाय एक्स वाले जो भी सवाल आते हैं इनको देखेंगे। देखो ये पॉपुलर सवाल है और बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, TCS का इस पे एकदम खास करके फोकस रहता है। और अगर हम सिर्फ रेलवे की बात करें कि रेलवे में ऐसा कितना सवाल आया है, तो भाई 50-60 सवाल तो एकदम देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आया है तो आएगा ही आगे, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में तो सवाल एकदम भिड़ेगा, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है बेसिक टू एडवांस, तो ये मैथ्स आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल विथ अपडेटेड कंटेंट आपका चल रहा है। अगर आपको मैथ्स और साइंस चाहिए तो ये भी आपका अवेलेबल है, ऐप अपना फोकस स्टडी विथ अभी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपका इंक्वायरी हो, क्वेरी हो, तो आप ना कॉल लगा के भी पूछ सकते हैं, उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बस उम्मीद यही है कि आप शुरू से लेके आखिर तक आप वीडियो को देखेंगे। देखिए ये जो सीरीज है इसके इम्पोर्टेंस को समझिए, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आएगा वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको कंसेप्ट बताएगा, एग्जाम के पैटर्न को बताएगा कि भाई कैसा सवाल आया है और इस पर बेस्ड कैसा सवाल बना सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही सवाल बनाएगा, ये तो कहना असंभव वाली बात है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर जो होता है वो अपना बेस होता है और उस बेस को पकड़ के चलने में ही फायदा है, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखना आपकी जिम्मेवारी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक मारिएगा और ज़्यादा अगर आपको पसंद आता है तो शेयर मार दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहाँ। पहला सवाल, शुरुआत एकदम बेसिक से, सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं SSC में भी डाला गया और जो भी एग्जाम होता है इंडिया में जिसमें अलजेब्रा से सवाल आता है, हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। मतलब बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है ये और ये बहुत आसान भी है। तो कहता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है, RPF SI 2019 में डायरेक्ट पूछा गया और यही सवाल सेम वैल्यू के साथ कई बार SSC में और कई बार आपके रेलवे में भी रिपीट है। छोटा सा कंसेप्ट है इस सवाल के सामने, ठीक है। अगर आप इस सवाल को चाहें तो डिटेल में बनाइए, तब भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप उस कंसेप्ट को याद कर लेते हैं या समझ जाते हैं
तो आपका समय और बचेगा थोड़ा। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा बात है कि अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है और आपसे एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू पूछा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री ए। अब ये कैसे आया, तो भाई दोनों तरफ क्यूब लगाएंगे ना, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तब ये आपका रिजल्ट मिलेगा। बहुत आसान है, तो इसको ना डायरेक्ट याद रखो कि अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस थ्री ए होता है। यहीं पे अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है, यहाँ पे क्यूब में गए, अगर यहाँ से आपका स्क्वायर पूछ दिया तो ये सीधा ए स्क्वायर माइनस टू आपको याद रखना है। सीधा तीन चार पाँच इसका कंसेप्ट होता है, x प्लस वन बाय एक्स से क्यूब में ले जाएगा, स्क्वायर में ले जाएगा, पावर फोर में ले जाएगा, पावर फाइव में ले जाएगा, पावर सिक्स में ले जाएगा, पावर सेवन में ले जाएगा। तो सबका बेस यही है, तो हर एक टाइप का सवाल आपके सामने धीरे धीरे आएगा, इसको याद रखिए। और ये याद है तो ये सवाल गया। देखो x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू तीन दिया है, ए के जगह पे क्या लिखा है सर, तीन लिखा है, ठीक है। तो पहले एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर करना कैसे है आपको, एक बड़ा ही सिंपल सा बात है कि अगर हमें x प्लस वन बाय एक्स से एक्स क्यू में जाना है तो भाई ए क्यू माइनस थ्री ए, तो भाई ए के जगह पे क्या है थ्री है, तो तीन का क्यूब सत्ताईस माइनस थ्री ए तीन तिहाई नौ बट्टा। अब x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू तीन दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर में जाना है तो भाई कैसे होता है, इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर नौ माइनस टू, बस यही तो आपका उत्तर है। 27 में 9 गया 18 और 9 में 2 गया 7, 18 बटा 7 आपका सीधा उत्तर बन गया। देखो अगर ये और ये याद करना ही होगा, ये एकदम कंपलसरी है कि आपको याद होना ही चाहिए। x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया है और आपसे क्यूब के फॉर्मेट में पूछ दिया, तो भाई एग्जाम में आपके सामने दो ऑप्शन है कि या तो आप पहले दोनों साइड क्यूब करके इसका वैल्यू निकाल लो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का पहला बार, दूसरा बार में फिर इसी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करके आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो और तब ऊपर नीचे भाग दे के उत्तर बताओ। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये चीज़ घर से सीख के जाओ, याद कर लो, रट लो, ये सब रटने वाला चीज़ है, ठीक है। ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा, और जब ये चीज़ आपको याद रहेगा तो बस इतना सा काम करना है और सीधा उत्तर बताना है। कई धुरंधर, कई लोग जो है, बहुत लोग जो है, इन सब सवालों में पेन भी नहीं लगाते हैं। हाँ, सवाल अगर थोड़ा घुमा दिया तो उसमें पेन लगाते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है वहाँ पे लोग पेन भी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ याद रहेगा। बंधु, दुनिया में कोई कुछ भी कह ले आपको, पहले अपने बारे में सोचो कि आपको क्या ये चीज़ का समझ है। इन सवालों को लोग बोलते हैं कि सेकेंड में देखते ही आंसर करो, अरे देखेंगे पहले दिया क्या है तब ना उत्तर देंगे, पहले देख तो ले दिया क्या है, पूछा क्या है, तो देखते ही उत्तर देने के चक्कर में मत रहिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। अब ये कैसे आया, तो भाई बड़ा ही सिंपल है, x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि दोनों तरफ क्यूब करना होगा और जब क्यूब करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगा। यहाँ पे x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू ए दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है आरपीएफ एसआई, और ये सिर्फ आरपीएफ एसआई में नहीं, रेलवे में कई दफ़ा पूछा गया है, एसएससी में तो इसका बाढ़ ला दिया है, ठीक है। आरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल, कई दफ़ा आ चुका है, कितना बार बोले एक ही बात को, कई दफ़ा आ चुका है ऐसा सवाल। इफ़ एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर थ्री देन एक्स का पावर फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर इक्वल टू व्हाट। अब देखो ऐसा सवाल में ना कभी भी ये मत सोचना कि सर एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर थ्री दिया है तो क्या एक्स का वैल्यू सोच सकते हैं, इस सोचने वाला गलती इसमें मत करना, सोचने वाला भी सवाल है उस पर भी आएंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है।
तो आपको अभी हम क्या बताएं कि इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए है तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे x माइनस वन बाय एक्स है तो देखो जब यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे माइनस हुआ और जब यहाँ पे माइनस रहेगा ना तो यहीं पे दो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है कि जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो भाई माइनस टू इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है और आपसे ये पूछ दिया एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू, ये केस आप चाहे तो कर भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर चार है मतलब दो बार स्क्वायर करना होगा, दो कंसेप्ट लगेगा, एक पहला बार ये लगेगा और दूसरा बार में ये लगेगा, ठीक है। अब देखो जब पहला बार में ये लगाएंगे x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू a दिया है तो भाई पहला बार में हम क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल पाएंगे ना। बोले सर बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ और दो ग्यारह, अगर स्क्वायर रहता तो ग्यारह मेरा उत्तर होता। यहाँ पे पावर चार है, देखो इसको फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा और जब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का पावर फोर, वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाय एक्स का पावर फोर, मतलब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे एक्स का पावर फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर बराबर इसको लगा देंगे ए का स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू, तो भाई ए स्क्वायर ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस माइनस दो, तो भाई एक सौ इक्कीस में दो गया एक सौ उन्नीस, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सीधा उत्तर। इतना ही सा काम करना है इसमें बंधु, और कुछ नहीं करना है, सीधा उत्तर बताना है। आरआरबी जेई 2019 में आया है, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, बात वही है, ठीक है। x का पावर 2n प्लस 1 बाय x का पावर 2n इक्वल टू k दिया है, देन x का पावर n माइनस x का पावर n का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप समझो कि x का पावर n से x का पावर 2n तक कैसे जाएंगे। तो भाई x का पावर n को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो x का पावर 2n हो जाएगा, मतलब आप इसमें सीधा सोचो कि अगर हम इसी को स्क्वायर कर दें तो ये वाला दिख जाएगा। अब क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसी में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, मान लेते हैं कि x का पावर n माइनस वन बाय x का पावर n बराबर z होगा, इसी z का वैल्यू निकालना है। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 2n प्लस 1 बाय x का पावर 2n माइनस ई, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो माइनस टू ए बी। देखो ये चीज़ ना कट जाता है, ये चीज़ ना कट जाता है, x का पावर n अपॉन x का पावर n कट जाता है, बराबर क्या हो जाएगा सर जेड स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि भाई इसका वैल्यू दिया है कि नहीं, देखो तो इसका वैल्यू दिया है कि नहीं, k दिया है, ये तो हमारा कट ही गया जेड स्क्वायर, मतलब ये आ गया k माइनस टू बराबर जेड स्क्वायर। और भाई इसी जेड का वैल्यू चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू हम क्या माने हैं जेड, तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के माइनस टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सीधा उत्तर हो जाएगा। इतना आसान सवाल पूछता है, बस थोड़ा सा आपको स्थिर से दिमाग लगाना है और उत्तर देना है। तो देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा है, फॉर्मेट वही है, बस दो वेरिएबल देके आपको थोड़ा सा उलझाने का कोशिश किया है, तो मालूम है आप उलझेंगे नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83 दिया है और पूछा है कि एक्स वाई माइनस वन बाय एक्स वाई बराबर क्या होगा। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, एक्स वाई को आप सीधा एक्स मान लीजिए, एक्स वाई को क्या माने एक्स मान लीजिए, तो भाई यहाँ क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखेगा एक्स माइनस वन बाय एक्स, बोलो बात वही है कि नहीं। तो इसको कैसे बनाना है,
आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप का कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका वैल्यू जेड मान लें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो भाई ये चीज तो इसके फॉर्मूला में आएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे भाई, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप तो डिटेल बता रहे, भाई ये डिटेल है ही नहीं, ये तो सीधा शॉर्टकट है, सीधा शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो भाई ये टू एक्स वाई अपॉन वन बाय एक्स वाई तो कट जाएगा, तो उसको तो लिखेंगे नहीं। अब देखो इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है, तिरासी। तिरासी में दो गया कितना बचेगा सर, इक्यासी, और जेड स्क्वायर बराबर कितना, इक्यासी। तो जेड का वैल्यू कितना, नौ। इतना ही तो काम करना है, बोलो कितना वक्त लगेगा, जैसे करना है वैसे कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फॉर्मूला भाई नहीं लगाएंगे, सीधा तो है, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तुरंत उत्तर आ गया, कुछ करना ही नहीं। ग्रुप डी 2018 में आया है, एक्स ए प्लस वन बाय ए का वैल्यू माइनस तीन दिया है, और आपको ए का पावर सिक्स प्लस वन बाय ए का पावर सिक्स का वैल्यू पूछा है। दो तरीका है, एक तो आप ये फॉर्मूला लगा लें डायरेक्ट कि अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है, तो x का पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स का पावर सिक्स बराबर ये होता है a का पावर छः माइनस सिक्स, ए का पावर चार प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस टू। दूसरा, ये चीज़ कैसे आया, ये चीज़ कैसे आया, तो अगर x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू अगर दिया हो और x का पावर सिक्स हमसे पूछे, तो हम कैसे जाएंगे, छः तक कैसे पहुँचेंगे, पहला बार स्क्वायर और फिर उसी वैल्यू को क्यूब करेंगे, तब ना तीन दूना छः होगा। तो पहले स्क्वायर उसके बाद क्यूब, या पहले क्यूब उसके बाद स्क्वायर। अगर a प्लस वन बाय ए का वैल्यू दिया है और a का पावर सिक्स प्लस वन बाय ए का पावर सिक्स तक हमें जाना है, तो कैसे जाएंगे, क्या तरीका है, तो पहला बार स्क्वायर उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसी को फिर क्यूब करेंगे, तभी ना छः होगा पावर। देखो मान लो कि a प्लस वन बाय ए का वैल्यू तीन दिया है, तो अगर a है और हमें छः तक पहुंचना है, तो भाई पहले हम स्क्वायर लगाएंगे और फिर इसी का हम करेंगे क्यूब, तब ना हम a का पावर सिक्स तक पहुंचेंगे। तो एक तो जब हम ये दोनों काम करेंगे तब ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो अगर ये वैल्यू आप याद रखते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आपको अगर ये तोड़ तोड़ के याद है कि सर पहले करेंगे स्क्वायर फिर उसके बाद करेंगे क्यूब, तब हम ए का पावर सिक्स तक पहुंचेंगे। देखो बात वही है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे a का वैल्यू रखते हैं, तो आप देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि a का पावर 6 है, और अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा डिजिट रहेगा, जैसे कि 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, तब अपना यहाँ कैलकुलेशन करने में हिचक जाएंगे। लेकिन जब हम तोड़ तोड़ के जाएंगे तो हम नहीं हिचकेंगे, आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो इस ऐसा सवाल को जब पावर 6 आपसे पूछे, तो आपको ना तोड़ तोड़ के करना चाहिए, या तो पहले स्क्वायर फिर क्यूब, या तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर, जो मर्जी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर a प्लस वन बाय ए का वैल्यू माइनस थ्री दिया है, तो हम पहले स्क्वायर में जाएंगे। तो सर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ए स्क्वायर माइनस टू, मतलब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, माइनस तीन है, तो माइनस तीन का स्क्वायर नौ, और नौ में दो गया तो सर क्या बचा, सात। अब ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सात। अब इसका करना है क्यूब, तो सर जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो देखो क्या आता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए, जब यहाँ पे क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए का पावर सिक्स
प्लस वन बाई का पावर सिक्स बराबर ए क्यूब, सात का क्यूब 343 माइनस थ्री ए सत्ती आई 21। तो सर 343 में 21 गया तो 322 ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा उत्तर हो गया। कई रास्ते हैं जाने के, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू नहीं सोचना है कि सर ए का वैल्यू क्या रखें, वैल्यू सोचेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको लगा लीजिए डायरेक्ट, या तो इन दोनों को तोड़ तोड़ के लगा लीजिए। मेरा सलाह ये है कि बहुत सारा बुक में ना ये चीज़ लिखा हुआ है और बहुत सारा टीचर इसको पढ़ाते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो आप सीधा इसको लिख लीजिए। सर लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको पड़ जाएगा महंगा, तो हमें कैलकुलेशन चाहिए सस्ता सस्ता जो मिले, एक रुपया किलो, दो रुपया किलो, दस रुपये केजी वाला कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पहले स्क्वायर फिर क्यूब, या पहले क्यूब फिर स्क्वायर, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से अपना उत्तर आ गया। डिटेल भी जा सकते हैं, फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, उसी चीज़ को फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है, तो सर एक सॉरी एक्स क्यूब होगा ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा और यहाँ भी क्या होगा एक्स क्यूब, ठीक है एक्स क्यूब। तो अगर x माइनस वन बाय एक्स बराबर ए दिया है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू पूछेगा, तो सर ए क्यूब माइनस थ्री ए। सेम चीज़ यहाँ पे है, इन्हीं सब पैटर्न पे सवाल आता है घुमा फिरा के, या तो डायरेक्ट आपको दिखेगा या तो थोड़ा सा सोल्व करना होगा, वैसे सवाल भी आएंगे आगे। तो a माइनस वन बाय ए का वैल्यू 3/4 है, तो ए क्यू माइनस वन बाय ए क्यू का वैल्यू पूछा, एकदम निहायत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस थ्री ए, तो भाई a के जगह पे क्या दिया है ये 3/4, ए क्यू मतलब 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 27/64 क्यूब लगाएंगे तो, प्लस थ्री ए, तीन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। अब बस सिंपल सा बात है, एलसीएम कितना 64 आएगा, देखो 64 एक ही के नीचे में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा और क्या, ठीक है। कट भी सकता है, 64 का आधा 32 होता है, अगर ऊपर नीचे दो से कटेगा तब ये मेरा आंसर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे सेम है, देखिए ध्यान से 171 यहां भी 171 यहां भी, अगर इसको दो से भागा देंगे हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 27 प्लस 4 से 16, 16 नीमा 144, ये तो सिंपल हो गया 171/64, ठीक है सीधा आपका उत्तर। कितना टाइम लगेगा, ये सब टाइप ना बहुत आसान है और यहां से बहुत सवाल आया है, तो इसको करसान सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर टू है, देन एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू डिवाइड बाय एक्स का पावर 18 प्लस वन बाय एक्स का पावर 18 का वैल्यू क्या है। दो चीज़ आपको याद रखना है कि अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर दो है या x माइनस वन बाय एक्स बराबर जीरो है, ये तभी होगा जब x का वैल्यू 1 होगा, ये तभी होगा ये दोनों कंडीशन जब x का वैल्यू 1 होगा। तो x प्लस वन बाय एक्स बराबर दो कब होगा, जब x बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस वन बाय वन 1, 1 प्लस वन 2, यहाँ पे 1 माइनस वन बाय वन 1, 1 माइनस वन 0, यही चीज़ है, छोटा सा सवाल है। अब देखो x का वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो सर x का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो आएगा क्या, 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 मतलब 2/2 क्या 1 आपका उत्तर हो जाएगा, यही ना है। 1 का क्यूब प्लस 1 बाय 1 का क्यूब, 1 का पावर 18 प्लस 1 बाय 1 का पावर 18, तो 1 का पावर 18 लिखो चाहे 18 लाख लिखो चाहे 18 करोड़ लिखो, आएगा 1 ही है ना। तो यहाँ भी टू, तो 2/2 मतलब 1 आपका सीधा उत्तर हो गया। तो इस टाइप का सवाल भी देखने को मिला है जो बहुत ही सिंपल है। अब ये 18 पावर ना डराने के लिए दिया है कि सर कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इन दो फॉर्मेट पे भी सवाल आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो सर इसको भी आप अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, देखो कितना टाइम लगेगा, इसमें पेन नहीं लगाना है, ये सब सवाल सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड में तो कदापि नहीं। एक सेकेंड तो पढ़ने में आपका लग जाएगा, एक सेकेंड से ज़्यादा, कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है तो सर समझ गए कि x का वैल्यू 1 होगा, 1 1 1 1
टू ऊपर टू नीचे वन आंसर, इतना में तो दो तीन सेकंड लग जाएगा। इस सवाल को देखिए, NTPC ग्रुप डी SI SSC सब में आया है, थोड़ा मोड़ा डाटा बदल बदल के। ग्रुप डी में तो सेम सवाल डाल दिया है, NTPC में भी यही सवाल आया है, ठीक है। तो इस सवाल को अब जरा ध्यान से देखिए, इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ को ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए तभी आप सीखिएगा, ठीक है। तो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर बराबर 19/2 है, तो हमसे पूछा है 2x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या है। आप दोनों फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, जिसका वैल्यू दिया है और जिसका वैल्यू पूछा है, दोनों फॉर्मेट अलग अलग है। तो या तो इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा या तो इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा, ठीक है। दोनों के फॉर्मेट को सेम करना होगा। तो देखो ये चीज ठीक लग रहा है, अब इस तरीका से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 16x² है, ठीक है। अगर दोनों तरफ हर एक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हर एक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 4x² देखो तो, प्लस 1/16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 1/4x² और बराबर 19/2 को 4 का गुना लगाएंगे तो 2 × 4 19 × 38 बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मेट सेम हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया कि सर कैसे सेम हुआ, तो देखो कैसे हुआ वो देखो। 4x को हम इस 2x² लिख सकते हैं, 2x² प्लस 1/2x² लिख सकते हैं बराबर 38। अब दिखा सेम। तो भाई इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, करना क्या है, 38 में 2 घटा के रूट लगा देना है, 36 रूट 36 मतलब 6 आपका उत्तर हो जाएगा सीधा। कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट को थोड़ा सा सेम कर लेना था। तो भाई 38 में 2 घटा देंगे रूट 36 और रूट 36 का वैल्यू 6 आपका उत्तर हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आया, फॉर्मूला लगाइए या इसको स्क्वायर कर दीजिए, या तो a² + b² बराबर क्या होता है, देखो इस चीज़ को भी जानो, ठीक है। देखो ये चीज़ तो हम लोग को मालूम है कि a + b² बराबर a² + b² + 2ab होता है। सर हम a² + b² में अगर इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, a² + b², ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ a - b² बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अगर हम इसको इधर ले आए तो a - b² + 2ab बराबर a² + b², ये भी तो होता है। अब देखो इन दोनों में कौन सा लगेगा, ये a - b के फॉर्मेट पे है, मतलब ये वाला फॉर्मेट आपका इसमें से, देखो ये a - b के फॉर्मेट में है, क्या दिया हुआ है, a² + b² तो सर यही वाला वैल्यू लगाएंगे ना, यही वाला ऑपरेशन लगेगा इसमें, बोले सर बिल्कुल लगेगा। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b² मतलब 2x - 1/2x², ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 38 - 2। अब देखो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो सर ये 2x - 1/2x बराबर 38 में 2 गया 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट 36 = 6, इतना ही तो काम करना है। आप चाहे तो भरवली कर लीजिए, चाहे तो लिख के कर लीजिए, टाइम नहीं लगेगा, दोनों ही कंडीशन में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही आसान है। तो भाई सिर्फ इसी के बारे में आपको नहीं जानना है, ये भी जानना है, तब ना मजा आएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी घूम सकता है और घूमता है सवाल, बात समझ में आ रही है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछ देता है कि
कि इफ 2p/p²-5p+1=1/10 देन p+1/p का वैल्यू क्या होगा। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर इसको सोल्व करके p का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद p का वैल्यू यहाँ रख के आंसर बता देंगे। तो भाई एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा चीज अगर ये फॉर्मेट आप इसमें देख लें, अगर ये फॉर्मेट आपको इसमें दिख जाए तो भाई और भी आसान हो जाता है। अब देखो ये फॉर्मेट इसमें कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले ना इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो जी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 10p = 10p क्या बना p²-5p+1 यही बना। अब देखो अगर हर एक टर्म में हम p से भागा दे दे, सब में अगर p से भाग लगा दे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो भाई यहाँ p से p कैंसिल, p² को p से भागा देंगे p बचेगा, 5p को p से भागा देंगे सिर्फ 5 बचेगा, 1 को p से भागा देंगे 1/p बचेगा। तो देखो जब इसको p से भागा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा p बराबर, यहाँ पे बच जाएगा ये, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ p बचेगा, यहाँ पे -5 और +1/p। ध्यान से देखो p+1/p है, p+1/p है, मतलब p+1/p -5 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा p+1/p, और यही हमसे पूछा है ना। देखो तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, p+1/p = 15 सीधा उत्तर आ गया। तो इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछ रहा है और पूछेगा, ये जैसे मर्जी वैसे आप कर लीजिए, हर एक तरीका आसान लगेगा, ठीक है। तो कहता है कि 4a+5a+5=14 दिया है, देन 16a²+25a² का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है इससे। अब आप फिर से कहेंगे सर अगर a का वैल्यू पता हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। सर बात तो सही है कि अगर a का वैल्यू पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन पता कैसे चलेगा, इसका तो फॉर्मेट वही वाला है x+1/x वाला। तो इस फॉर्मेट को इसमें देखना होगा कि ये फॉर्मेट इससे कैसे आएगा। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे 25/a² है, 5/a है, इसका स्क्वायर किया है, 4a है, यहाँ पे 16a² है, तो सर इसका भी स्क्वायर किया है, और ये +5 कहाँ जाएगा, तो ये 14 में घट जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a+5a = 14 में 5 गया तो 9। अब सर अब दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 16a²+25a² + 2ab आएगा, ठीक है। देखो तो क्या आएगा, 2a × 5a = 9 का स्क्वायर 81। अब देखो ये तो हमेशा निपट जाएगा ना, तो 5 × 20 = 40, 81 में जब 40 जाएगा तो सर कितना, 41 ही तो बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा उत्तर हो गया। कितना आसान सवाल है, देखो बस आपको देखना है ध्यान से, और एक बात समझिए, देखने का नज़रिया आपका ऐसा होना चाहिए ना कि किसी भी चीज़ पे एकदम फुल कंसंट्रेट होके देखिए। सवाल आया है, इसको ध्यान से देखिए क्या दिया है, 4a+5a+5=14 है, देन 16a²+25a² सवाल पढ़ने का तरीका होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये कहाँ से आया होगा। तो सर 16a², तो सर 4a² किया, 25/a² सर 5/a² किया, वही से ना आएगा 25/a². तो ये चीज समझ में जैसे ही आ गया, सर ये 5 कहाँ जाएगा, तो सर 14 में घट जाएगा। बस ये चीज जैसे दिखा सीधा उत्तर आपको कर देना है, तरीका जो भी लगाइए आंसर आना होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है कि इफ x+1/x = 8 है, देन 5/x²-8x+2 का वैल्यू क्या होगा। सवाल एकदम सेम है, ठीक है। अब ये सवाल NTPC में भी आया है, JEE में भी आया है, भाई एक 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 करके सवाल को सजा दिए हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, शिद्दत से देखना है। प्लीज़ आप लोग मेरा बात मानिए और चीज़ों को समझिए। ये जो सीरीज़ है ना मैथ्स बूस्टर, आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल है,
ऐसे वैसे नहीं है, बहुत यूज़फुल है। आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। आप इसी आप आज का ये वीडियो लीजिए, एक एक चीज़ सजा दिए हैं। मेहनत तो बहुत लगता है बट कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो अपने पास दो तरीका हो सकता है कि इसको हम इसमें ढूंढें या इसका कोई वैल्यू इसमें ढूंढा जाए। तो अगर आप देखेंगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, अगर हम हर एक टर्म को x से भागा दें तो यहाँ पे तो x प्लस यहाँ पे 2 बाय एक्स दिख जाता है, तब फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसी को, इसका कुछ वैल्यू को इसमें ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपोन एक्स बराबर 8, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 8x। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 8x को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन बराबर 0। अब आप कहेंगे सर ये चीज़ तो आपको इसमें दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है उनको हम दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 ये चीज़ कहाँ दिख रहा है इसमें, तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 है, तो क्या इसको 2 को 1 प्लस 1 लिख दे, बोले सर लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए सर इसका वैल्यू आपको क्या मिला, तो सर इसका वैल्यू 0 मिला, तो ऊपर हो गया आपका 5 और नीचे हो गया 0 प्लस 1, तो 5 बाय 1 क्या हो गया, 5 हो गया, डी इसका उत्तर हो गया। देखो आराम से आंसर आ गया ना, अलजेब्रा ऐसा चीज ही है कि बस आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाना होता है, सोचना होता है कि ये कैसे बनेगा। बहुत आसान है अलजेब्रा, बाय गॉड हम आपको बता रहे हैं बहुत आसान है अलजेब्रा अगर आप समझते हैं तो। हाँ अगर बड़ा बड़ा सवाल से आपको भरमा दिया जाता है कि ये कैसे बनेगा और आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि बाबा ये तो हमसे नहीं होगा, तब थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हैं, आप समझना चाहते हैं, भले आपको ना आता हो लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में अलजेब्रा को समझ लीजिए। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप रूट एक्स को सिर्फ एक्स मान लो और रूट वाई को सिर्फ एक्स मान लो, सेम नहीं मानने चाहते हो। अगर सेम आप नहीं मानना चाहते हैं तो रूट एक्स को आप ए मान लो, तो भाई ये हो जाएगा ए माइनस वन बाय ए बराबर रूट सेवन, और आप उसी फॉर्मेट पे आंसर बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। नहीं मानना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का वैल्यू रूट सेवन दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, क्या लगता है आपको एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा, तो भाई इसका होल स्क्वायर किया होगा, वो भी एक बार नहीं दो बार, क्योंकि एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा और जब दूसरा बार स्क्वायर करेंगे तब एक्स स्क्वायर आएगा। समझ गए ध्यान से, देखो क्वेश्चन सामने आते ही आपके दिमाग में कैलकुलेशन दौड़ना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज़ प्रैक्टिस से आता है, कोई आपके भेजा में ये चीज़ नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 7 में 2 जाएगा तो सर ये आ जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा, अच्छा सॉरी 7 और 2 9 हो जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा इधर से 2 जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू कितना सर 9 आ गया। अब देखो स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा दो तो डायरेक्ट कर दो ना भाई कितना टाइम लगेगा, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है ना भाई, तो 2x इंटू वन बाई ये तो हमेशा कैंसिल ही हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81, ये इधर 2 जाके घट जाएगा तो 81 में 2 गया 79, 79 आपका क्या आ जाएगा सीधा उत्तर आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा एक स्टेप में तो हो जाता है, तो बहुत ही आसान है ये वाला, तो ले लीजिए
एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू 2√5 दे दिया है और आपसे पूछा है ए कि एक्स का पावर 4 प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये चीज़ दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, आप सीधा सीधा देखेंगे तो ये फॉर्मेट इसमें नज़र तो नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो भाई कुछ ना कुछ इसी में करना होगा, कुछ ना कुछ इसी में करना होगा तब जाके आपका उत्तर आएगा। तो देखो अगर हमें या तो हमें इस साइड x प्लस वन बाय एक्स दिख जाए या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिख जाए या एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू दिख जाए, कुछ भी दिख जाए तभी हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस फॉर्मेट को इसमें कैसे देखेंगे, तो x का पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो अगर इस इक्वेशन के हर एक टर्म में हम एक्स से भाग लगा दें, एक्स से भाग, देखो अब आपका कहना होगा कि सर आप कैसे सोच लेते हैं, तो भाई ये चीज़ ना प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन में किसी से नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को समझोगे, प्रैक्टिस चीज़ों को समझोगे तब ये चीज़ दिखने लगता है एक टाइम के बाद जाके, ठीक है। तो हमको पढ़ाते पढ़ाते 5-6-7 साल हो गया है तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस से ना दिखने लगता है, ठीक है। तो अगर इसके हर एक टर्म में हम x से भाग लगा दे, ठीक है। अब देखो जब x 4 को x से भागा देंगे तो ये हो जाएगा x का पावर क्यूब, x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को x से भागा लगा देंगे सर तो नीचे भी क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर को x से भागा देंगे सर x बचेगा, 1 को x से भाग लगेंगे तो सर ये 1 बाय एक्स बचेगा। अब देखो सीधा आपको नजर आया एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो सर इसका वैल्यू तो हम सीधा रख देंगे 2√5। अब सर ऊपर क्या होगा, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया है और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा है, तो इसका क्या हो जाता है एक क्यूब माइनस 3e मतलब 2√5 का क्यूब, 2√5 का क्यूब और ये सर माइनस क्या हो जाएगा 3 × 2√5। अब इसी को कैलकुलेट करके आपको उत्तर बता देना है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, यहाँ भी 2√5 है 3 बार, यहाँ 2√5 है 1 बार, नीचे 2√5 है, तो अगर ऊपर हम 2√5 कॉमन लेंगे तो सर यहाँ बच जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा, देखो एक बार हम लिख देते हैं 2√5 का यहाँ क्या बच जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 बच जाएगा और सर नीचे क्या है 2√5 है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो जो कट जाएगा उसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको हम हमेशा से बताते आए हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, 4×5=20, 20 में 3 गया 17, आपका उत्तर आया ऑप्शन नंबर डी, सीधा उत्तर हो गया। कितना वक्त लगेगा, बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। तो ध्यान से देखिए y माइनस 1/y का वैल्यू 4 दिया है और पावर 6 तक जाना है, y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6, जब 1 से 6 अगर आपको 1 से 6 तक जाना है तो आपको क्या बताए थे कि स्क्वायर और क्यूब दोनों करना होगा, तो भाई अब आपको हम इतना सवाल बता चुके हैं कि आपका ना बेसिक समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है। तो ये देखो बस इधर से मतलब रखो, पहले अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का है, अब सर पावर 6 तक जाना है तो जो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² है इसका करना होगा क्यूब, और जब वाई एक्स प्लस 1/x के क्यूब से हम जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1³ मतलब 18 का क्यूब माइनस 3a मतलब 18 3 54, और 18 का क्यूब कितना होता है सर 58 32, और माइनस जब इसमें से 54 करेंगे तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 13 में 5, यहाँ पे 12 12 में 5 गया 7, 78 5778, इसका क्या हो जाएगा सीधा उत्तर होगा। निहायत ही आसान सवाल होता है ये सब, एकदम आसान। कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 6 एंड x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है जो कंडीशन दिया है
क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। कहाँ करना होगा बताएंगे। देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस 1 बाय x का पावर 4। अभी तक हम लोग सीधा सीधा चल रहे थे, अब ये टेढ़ा वाला सवाल है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू a दिया हुआ है और हमसे x माइनस 1 बाय x पूछेगा, तब इसका वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है भाई, ये भी डेरिवेशन है, इसको याद रखना है। जब आपको प्लस से माइनस में जाना है, जब प्लस से माइनस में जाना है, ठीक है, माइनस से प्लस में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब हमको प्लस से माइनस में जाना हो तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 दिया गया है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 और 2 8। फॉर्मूला से बोले सर बिल्कुल, मतलब x प्लस वन बाय एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको दिखा, ये चीज़ दिया है, तो सर x माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 4। फॉर्मूला से तो 2 × 4 और 4 × 8, 8 में 2 × 4 और आपका 4 × 2, गलती नहीं ना हुआ भाई, कहीं गलती नहीं हुआ कहीं आपका, हाँ ठीक है, 2 × 4 और ये 2 × 8, 8 में 4 गया 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो सर x प्लस x माइनस 1 बाय x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 है। यहाँ x का वैल्यू क्या दिया है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ पे हम x माइनस 1 का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस 2 लेंगे, क्या लेंगे, माइनस 2 लेंगे। प्लस 2 भी ले सकते हैं, माइनस 2 भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से माइनस 2 लेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आपको आ गया, अब देखो इस पे आते हैं, इस फॉर्मेट पे आते हैं। अभी आपका उत्तर नहीं आया है, अब आप ज़रा इस फॉर्मेट को ध्यान से सॉल्व कीजिए कि ये जो दिया है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। बोले सर बिल्कुल, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस वन बाय x स्क्वायर, सर लिख सकते हैं। इसको फिर से तोड़ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो x प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स यही हो जाएगा। अब सर इसका वैल्यू देखिए, x प्लस वन बाय एक्स और x माइनस वन बाय एक्स, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू 2√2 है और x माइनस वन का वैल्यू इंटू माइनस का 2 लेंगे, और सर x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या है, 6 है। तो देखो 6 × 12, 12 × 24 माइनस का 24√2 आपका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर होगा। बहुतों का आंसर 24√2 भी आ सकता है, लेकिन माइनस 24√2 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का फॉर्मेट, x माइनस x या x प्लस x पे जितना भी टाइप का सवाल आया है। देखो और बहुत सारा सवाल था जो रिपीट है, तो भाई उनको एक ही सवाल को 10 बार लगाने से क्या फ़ायदा, हर एक टाइप का सवाल देखना था। तो ये था आपका आज का सेशन, तो कंप्लीट देखिएगा भाई शुरू से लेके आखिरी तक, और बाकी का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देखिएगा और एक एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल का फॉर्मेट भी आपका धमाकेदार होगा, ठीक है। तब तक जय हिंद।